ये देखिए जी, देखिए मैंने कोशिश की है, यहाँ तक पहुँचे हैं। ये उंगलियों में गंदगी हो गई थोड़ी सी, मैंने मना किया था, मुझसे नहीं पहने था कि जी ये फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने पहना है चुंदरी का ड्रेस। ठीक है, ये वाला ड्रेस मैंने पहना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जी हम लोग आ गए हैं और हमारी वीडियो बना रहा है ड्रोन। हालांकि ना सलाम कर दो, हालांकि ना अस्सलाम वालेकुम बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम बोलो, मेरे देखने वालों को बोलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से सलाम दे भाई सारे हमारे नेहा, सलाम करो, आज भाई सलाम करो, अस्सलाम भाई। ब्लॉग का आगाज कर दिया नाश्ते के साथ। सुबह सुबह खाला की ना मुझे कहाँ लेके जाने के लिए आई हो खाला की ना? बैंक, बैंक जा रही खाला की ना, मुझे बहुत सारे पैसे देंगी ताकि मैं शॉपिंग करूँ। थैंक यू खाला की ना, आप ग्रेट और हो तो खाला की ना 15-20 हज़ार दे देना खाला की ना शॉपिंग के लिए। ये हमारे अकबर, अकबर भी रेडी नहीं हुए, बस ये आज नाश्ता करेंगे खाला की ना के साथ। मुझे जाना है बैंक, फिर हम जाएंगे खाला की ना के साथ बैंक। ठीक है, हवा है, इतनी हवा चल रही है कि कपड़े जो है ना वो ड्राई नहीं हुए, फिर भी हम जो अंदर लाने वाले थे कि भागना भागना, कुछ ऐसा लग रहा ना जैसे कोई तूफान आ रहा है, इस किस्म की हवा जो है ना वो चल रही है। और मतलब देखें इस सिचुएशन का अंदाज़ा कर लें, बस अभी जो है ना ये करूँगी फिर मेहंदी के लिए मुझे ब्लीच भी करना है। आज कॉलेज नहीं जा सकी हूँ, वो इतने तक रूटीन चल रही है। आज नन जो है ना वो जा रही है, अच्छा नन जा रही है बहन अपने मामू के घर मिलने के लिए, क्योंकि वही मैंने आपको बताया ना फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, तो फातिहा खाने के लिए उनकी सास जो है ना वो जा रही है, कुरंगी की तरफ जा रही है। तो उसके बाद जो है मैं फिर अपनी शाम में जो मेहंदी में जानी है उसकी तैयारी करूँगी, और बस यही है। ओके जी, आज मैं पहन रही हूँ चुंदरी का ये वाला सूट। भाई कहाँ है ये सूट? ये रहा भाई, चुंदरी का सूट पहन रही हूँ। ठीक है, इसके साथ है चुंदरी का दुपट्टा, और ये मैं वेयर करूँगी। मेकअप मैंने कर लिया है, नंद वगैरह जो है वो दावत में चले गए हैं, अब वो शायद परसों आएंगे वापस, और तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है तो मैंने कहा चलो भाई जाती हूँ पहले कुछ। आज ज़्यादा शूटिंग भी नहीं कर सकी, ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सके, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी, मगर फिर मेडिसिन ली तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतर है तो जाने के काबिल हुई हूँ। तो फटाफट तैयार होते हैं कि जी फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने पहना है चुंदरी का ड्रेस। ठीक है, ये वाला ड्रेस मैंने पहना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। अच्छा, ये मैंने पहना हुआ है, अच्छा ये मेरा आइस का मेकअप है, और मैंने ये इसलिए पहना हुआ है कि मास्क नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने ये पहन लिया। अभी जाते हुए ठीक कर लूँगी, और अब मैं आपको मिलती हूँ मुन्नी मेहंदी के फंक्शन में। ठीक है, आज मेहंदी है, कल माइयों था। अगर कल वाला व्लॉग नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लिया, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर आपने देखना है माइयों का व्लॉग। और अब हम लोग निकल रहे हैं, सब तैयार हो चुके हैं, अली बाबू भी तैयार हैं, और यहाँ पर हमदा जो है वो सो गया है, स्कूल से आए थे लेट तो अब उनको नींद आ गया और वो सो गए हैं। अब इंशाल्लाह ये हमारी अलीजा, अलीजा अपनी लुक दिखाओ, देखो माशाल्लाह अलीजा भी बहुत प्यारी लग रही है। फाइनल लुक मैं आपको वहीं जा कर दिखाऊँगी सबकी। ठीक है, अच्छा जी अब हम लोग सब जा रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। चलो भाई सारे के सारे चलो, चले। ओके जी, हम चल पड़े हैं मेहंदी में जाने के लिए, साथ चले। फाइनली हम यहाँ आए हैं,
मैंने कार्ड भी नहीं पढ़ा कि घर पर था या हॉल में था, चेक करेंगे। फाइनली हम लोग आ गए हैं। अच्छा जी फाइनली हम आ गए। हमजा देखे यहाँ बैठा हुआ है। हमजा खड़ा हो जाओ बेटा, आ जाओ। बहुत प्यारी मटकापन चल रही है। अच्छा जी फाइनली मैं आ गई हूँ। एक तो बहुत सारे सवाल ये आ रहे थे कि भाई शादी किसकी हो रही, तो भाई शादी मेरे कज़न्स की हो रही है। कल माइयों थे और आज मेहंदी है, कल फिर मेहंदी है, ठीक है। आज हम लोग जो है वो मेहंदी के साथ, मेहंदी आई हुई हमारे चाचा के घर पर, ठीक है, फूफो लेकर आई हुई है। और दूसरा एक सवाल बहुत आ रहा था कि आपके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की हुई है, कि आपके हस्बैंड की शादी हो रही है। तो मेरे हस्बैंड की शादी नहीं हो रही भाई, मेरे कज़न्स की शादी हो रही है। और हस्बैंड की शादी नहीं होगी इसलिए क्योंकि हस्बैंड को जो है ना वो सेकंड मैरिजेस पसंद नहीं है। उन्होंने पहले ही कहा हुआ है कि मुझे जो सेकंड मैरिज करते ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो इस्लामी तौर पर इसका है, इजाज़त है, मगर ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम इस्लाम में हर जिस चीज़ की भी इजाज़त हो उसको जो है वो इंसान करे। कि इसकी भी एक कंडीशन होती है, एक लंबी बहस है, इस पर अभी बात मैं नहीं करूँगी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ इसके साथ तफसीली बात करूँगी कि दूसरी शादी क्यों की जाती है और इसके क्या रीज़न मेरे हस्बैंड की नहीं हुई भाई। चॉकलेट नहीं लेना आपको, क्या चाहिए? ग्लास रखना है। हाँ ग्लास रखना है, दे 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 दे। फरसाना बोलो तुम पापा को। अच्छा भाई मीठा खा रहे हैं, बहुत मज़े का है, मज़ेदार। अच्छा जी ये अबू लोगों ने नई गाड़ी ली है और हम इसकी मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। माशाल्लाह अम्मा बहुत प्यारी लग रही है। अम्मा से चक्कर कब लगवाओगे इसमें बिठा के? माशाल्लाह अच्छी लग रही है, अभी तो मिट्टी आके बहुत गंदा हो गया है। अभी नहीं लाया ना इतनी मिट्टी आ गई। कोई बात नहीं, क्या करो अभी धुलेगी फिर बनाऊँ वीडियो। अभी आई हूँ तो अभी बनाऊँगी ना। हमजा अच्छी लग रही है ना, लोग इतनी मिट्टी आई है देखिए। कराची में से जो हवा चल रही है ना, मत पूछ अम्मा से पीछे से बैठती है दरवाज़ा, तो यहाँ से खुलेंगे। ज़बरदस्त अम्मा, माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो अम्मा। अच्छा जी ये हमारे अब्बू लोग नई गाड़ी लाए हैं। अपनी वाली गाड़ी चलानी है? अच्छा नाना आते हैं ना, नाना अब्बू तो मैं बोलती हूँ। माशाल्लाह जी बहुत प्यारी लग रही है। मिट्टी देखिए भाई कराची में ये हाल है। चलो बस चलो ऊपर चलो, हमारे तो घर का हालत ही बस मत पूछे। अच्छा जी हम लोग वहाँ से यहाँ पर आ गए क्योंकि अली वहीं पर ही है और बस अब यहाँ थोड़ी देर बैठूंगी और फिर मैं निकल जाऊँगी घर के लिए। बस अम्मी को छोड़ना है, मम्मी ने ऊपर चलो चाय पी के जाओ, तो मैंने कहा ठीक है बस चाय पीऊँगी और फिर निकल जाऊँगी। अच्छा जी कल मुझे एक और कमेंट आया जिसमें एक खातून मुझे कह रही थी कि अल्लाह करे कि आपके हस्बैंड दूसरी शादी कर ले, जो जो इस तरह के कैप्शन लगाते अल्लाह करे उन सबके हस्बैंड दूसरी शादी कर ले। तो यार देखो इस तरह की बद्दुआ देने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस तरह की बातें करते ना तो सच में मैं ये कहती हूँ देखो अगर हस्बैंड्स ने करना होगा ना तो वो कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं करना होगा आप उनको बोलते रहें करते रहें वो नहीं करते। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है सेकंड मैरिजेस करना और मुझे इस बात की खुशी है कि वो नहीं करना चाहते। मैं आ गई हूँ वापस और मैं इसके अंदर लंच लेकर आई थी अम्मी के घर से कटोरी में डाल के, क्योंकि मेरी आंखों में इतना दर्द हो रहा था। और उसके बाद आते ही मैंने जो है ना संतर क्लिंजर मिल्क से जो है ना वो क्लिंजिंग की है, पहले फेस वॉश किया, इसका क्लिंजिंग जरूर किया करें नहीं तो आपको एक्ने प्रॉब्लम हो सकती है। उस दिन मैं पता नहीं कहाँ से आई थी, उसके बाद मैंने जो है ना फेस वॉश नहीं किया, उसके बाद फिर मुझे एक्ने की प्रॉब्लम हो गई। और जी हाँ ये रही मेहंदी, कोशिश करूँगी कि रात को एक हाथ पे तो ज़रूर मेहंदी लगा के सोऊँ क्योंकि मेरे बेटे ने जब फरमाइश की तो मैंने ज़रूर पूरी करनी है। और इस वक्त मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर लेटूँगी। ठीक है जी
ओके जी, फाइनली हम लोग घर आ गए और अलीजा ने कहा कि पहले मेरी मेहंदी निकाले, और अभी अलीजा जो है ना वो डिज़ाइन ढूंढ रही है मेरे लिए कोई मुश्किल सा। और आप लोगों को बताते चलूँ कि मुझे मेहंदी लगानी बहुत अच्छी आती है, मुझे कढ़ाई करनी भी आती है, मुझे सिलाई करनी भी आती है, मुझे मेकअप करना भी आता है, मुझे खाना पकाना भी आता है। मैं एक तरह की आमिर लियाकत हूँ जिसको सब कुछ आता है, मगर उसके साथ खपती नहीं है। अच्छा जी, ये क्या निकाला है भाई? कोई आसान सी बेल वेल लगाओ, मेरा हाथ नहीं है भाई इतना साफ। आप लोग देखेंगे तो कहेंगे देखो कैसी लगाई। हाँ ये आसान है, मैं भी लगा लूंगी ये वाली। मैंने कहा था थोड़ी सी खाली करके आ जाओ। अच्छा मेहंदी इतनी थोड़ी है, बिल्कुल इतनी कर दी थी। अच्छा भाई मेहंदी जब भी लगाए ना तो इसको थोड़ी सी खाली करते, लाओ हाथ लाओ। इतना कोई मुश्किल डिजाइन इस बच्ची ने मेरे लिए निकाल दी। कौन सा वाला था? ये था। क्या है ये? है कितनी तेज तेज लगा रही है ये? ये तो कागज़ पे बना रही है। चलो भाई स्टार्ट करके देखते हैं भाई। काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। लाओ हाथ लाओ। सबसे पहले बीच में सर्कल बनाना है। तो दो लाइनें आ रही है। इसको सर्कल भी बनाएंगे। मैं कर लो ना, पहले तो आपने मुश्किल मुश्किल बना दी थी। हाँ सर्कल आप। एक और सर्कल। इतना सर्कल बना रहे हैं, प्रकार रखना चाहिए था, बीच में रख के ना वो करके निकल जाता। अच्छा हाय, एक घंटे में हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ थोड़ी सी गंदगी हो गई, मैं फंस गई थी इस तरह करने में। इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान है। ये मुश्किल है, ये वो कागज पे बना रही है। नकली नेल लेकर आना, वो नेल पर। अच्छा और नेल पर के नकली नेल बस। चलो बाकी जी, काफ़ी मेहनत के बाद मैंने जो है बना लिया है, फिनिश कर ली है। थोड़ी सी उंगलियों में गंदगी हो गई। ओके जी, काफ़ी मेहनत के बाद मैंने जो है बना लिया है, फिनिश कर ली है। थोड़ी सी उंगलियों में गंदगी हो गई थोड़ी सी। मैंने मना किया था मुझसे नहीं बनेगी इतना मुझे। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसी तरह देखते रहिए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।